कि मेरे दोस्त का होमवर्क छाप रहा था और मेरे दोस्त पीछे बाकी बच्चों के साथ कुछ कर रहा था। मुझे पता नहीं क्या कर रहा था मगर कुछ तो कर रहा था। शायद बॉम्ब वॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे वो लोग या लगा रहे थे। खैर तो होमवर्क छापते छापते मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आया। अब नॉर्मली कभी ऐसा होता है तो मैं जो सामने वाले की कॉपी में पैटर्न बना होता है वही अपनी कॉपी में बना देता हूँ, मगर उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई, ब्रो इट्स हीरो टाइम। बस इतना सुन के मेरी आंखों में चमक आई और मैं मेरे दोस्त के पास चल पड़ा। ओए ये इसका आंसर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसने जैसे ही ये बोला सारे बच्चों की नजर मुझ पे आ गई। उनकी आंखों में एक मस्ती सी थी, वो मुझे हलाल होता हुआ देखना चाहते थे। आयु अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है, अब तू पीछे भी नहीं हट सकता। मुझे एक करना ही होगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सबसे हायर मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाया और उसका आंसर दे दिया, इन्फिनिट। उनकी हंसी सुन के मेरा रोना निकल गया था, लेकिन मैंने मेरा ईगो नहीं टूटने दिया। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, भाई गलत क्या है उसमें, उसका आंसर इन्फिनाइट ही तो आएगा, साले हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा कैसे आएगा इन्फिनाइट, हमको भी तो बता। यहाँ मुझे मेरा ईगो वापस लाने का चांस मिला था, इसलिए मैंने मेरा हायर कैलकुलेशन उन्हें बता दिया। भाई देख ये जो नीचे के 2 1 है ना, अगर तू इनका एलसीएम लेगा तो इनका तो एलसीएम आते ही जाएगा। ओए हाँ सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट।